तो नूरी महफिल की तरफ से आज इस ई लाइब्रेरी का उद्घाटन किया गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप इस नूरी महफिल के इस कार्यक्रम के बारे में? माशाल्लाह, ये जो एक आज इन लोगों का ये जो कदम है, ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव कदम है जो पूरी कम्युनिटी के लिए इसकी नीड है, और कम्युनिटी के साथ साथ ये जो इनका कदम है नेशन को बढ़ाने के लिए एक बहुत ही अच्छा कदम है कि जो आज इन्होंने यहाँ ई लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। इसके अंदर जैसे हमको अभी ये बताया गया है कि ये जो ऐसे तबके के बच्चे जो पढ़ाई में इंटरेस्ट रखते हैं, वो पढ़ आगे बढ़ना चाहते हैं, नेशन के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे और सभी बिना किसी जाति भेदभाव के सभी के लिए ये ई लाइब्रेरी ओपन रखी गई है। तो उसमें यही है कि बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर पाते अच्छी ट्यूशंस, जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते बड़ी बड़े सिलेबस बुक्स, तो ये लोग यहाँ ई लाइब्रेरी के थ्रू आज में ये नूरी महफिल यहाँ वो प्रोवाइड करेंगी। तो ये बहुत ही माशाल्लाह बहुत अच्छा बड़ा कदम है जो समाज को एक अच्छी स्टैंड करने के लिए और नेशन को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा कदम किया है नूरी महफिल ने। मैं नूरी महफिल के सभी भाई लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इसी तरीके से ऐसे ही नेशन के लिए, नेशन के हित में काम करते रहे, और समाज का जो ऐसा वर्ग है जो वर्ग आगे बढ़ना चाहता है पर उनकी कोई हेल्प नहीं करता, तो ये लोग हमेशा से आगे रहते हैं। जैसे रोटी बैंक की सूरत के अंदर में और जो कुछ भी कभी आपदा आती है, ऐसी आपदाओं में भी नूरी महफिल हमेशा आगे रहती है। तो इसी तरीके से काम करते रहे। अल्लाह तबारक ताला से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक ताला इनके हौसले को इनके पाए तक मिल तक के पहुँचाए। आपका अशरा फाउंडेशन और नूरी महफिल एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी सपोर्ट कर रही है समाज को, लेकिन काफ़ी ऐसे हमने देखे बड़े बड़े एनजीओ नागपुर में हैं जो दीन का काम तो करती है लेकिन एजुकेशन पे फोकस नहीं करती, और ख़ासकर उत्तर नागपुर की हम बात करें तो उत्तर नागपुर में बच्चे नागपुर यशोधरा नगर के दो दो तीन तीन किलोमीटर दूर लाइब्रेरी में जाते हैं पढ़ते हैं, तो वहाँ की एनजीओस को आप क्या मैसेज देंगे लाइब्रेरी के बारे में? अच्छा बताया आपने कि उत्तर नागपुर में ख़ास तौर से जैसे कि असरा ने ज्ञानम करके कोचिंग क्लासेस शुरू की है उत्तर नागपुर में, जैसे ही तो हम लोग पिछले 6 महीने से ज्ञानम कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। तो जो गरीब बच्चे हैं ख़ास तौर से उसमें 7, 8, 9, 10 के बच्चे जिनको हम लोग को आगे बढ़ाना है, तो इंग्लिश मीडियम में तो हमारी क्लासेस चल रही है, तो हम तो वहाँ ने हमने एक पहल कर दी है। और दूसरी भी तंजीम से हम यही करेंगे कि अगर आपके पास बच्चे हैं, भले आपके पास असासा नहीं है, आप नहीं कर सकते, तो आप असरा फाउंडेशन से, नूरी महफिल से कोलैबोरेट करें, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करके अगर वो काम करना चाहे तो असरा फाउंडेशन हमेशा उसका साथ देने के लिए तैयार है। काशिफ भाई, आप लाइब्रेरी की अहमियत के बारे में हम चाहेंगे आप कुछ बताएं। सबसे पहले तो मैं हमारे नूरी महफिल के जो भाई है इन तमाम लोगों को बहुत मैं दिल की गहराइयों से इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने ये कदम उठाया है। और लाइब्रेरी का महत्व ये है कि आज का जो शब है यानी आज की जो शाम है, ये जिनके नाम है, जिन्हें हम गौसे आज़म कहते हैं, मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, इनकी निस्बत से इन्होंने ये काम स्टार्ट किया है। तो वो इल्म के समंदर थे और उस समंदर के कुछ कतरे हमारे भाइयों ने यहाँ पे लिए हैं और उसकी जो पहल की है, तो उसके लिए मैं इन लोगों को मुबारकबाद मैं इनको पेश करता हूँ। और जहाँ तक बात रही है लाइब्रेरी की, तो जिस कौम में इल्म को लेके जागरूकता समझो शुरू हुई है, उस कौम को अब आगे तरक्की पाने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो मैं बहुत बहुत ये लोगों को मुबारकबाद है, और खुसूसन जो दिन इन्होंने चुना है इसकी बरकत से इसमें बहुत बहुत इसमें प्रोग्रेस हो, तरक्की हो, ऐसा मैं इनको दुआ देता हूँ।